तो जय गुरु, जय गुरु, सबको जय गुरु। जय गुरु। फिलहाल उपस्थित है दिमापुर सत्संग बिहार में, और हम लोग आज दिमापुर सत्संग बिहार का जो उत्सव था श्री विग्रह मंदिर प्रतिष्ठा दिवस, उसमें हम लोग आए थे। और आज मंदिर का एक बहुत ही बड़ा माहौल हम देखा, सत्संग बिहार दिमापुर, और बहुत अच्छा लगा। तो ये सत्संग बिहार दिमापुर है, मैं आप लोग को दिखाने का प्रयास करूँगा। तो ठीक है, जय गुरु, जय गुरु। ये साथ में अजिद्धा है और छुट्टी है, और ये मंदिर का ही देखभाल करते हैं दादा। तो हम लोग सब जय गुरु दादा, ठीक है, जय गुरु। तो ये दिमापुर सत्संग बिहार, और ये गेस्ट हाउस है, और पुजारी लोग प्रसाद वितरण कर रहे हैं। शाम का प्रेयर हो चुके हैं, और दिमापुर सत्संग बिहार आपको ये हनुमान मंदिर का बगल में ही है। यह दिमापुर सत्संग बिहार, ये आप लोग का दिमापुर में आके बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट टाइम मैं दिमापुर में आया, जय गुरु, जय गुरु। हाँ ठीक है, ये तो आप लोग का जो उत्सव हुआ आज, ग्रेट सक्सेस, बहुत बढ़िया लगा। बहुत ही सिस्टेमेटिकली हम लोग सब कुछ देखा, सीखने वाला भी बहुत था, और हम लोग सीखा देखा तो बहुत अच्छा लगा, वाकई बहुत सुंदर। जी जी जी, सत्संग मंदिर जो है ये श्री विग्रह मंदिर, बहुत ही सुंदर ये मंदिर का ये माहौल मैं आप लोग को दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये जो सब कुछ तो मैं आपको बता दिया, बहुत ही बड़ा, देखने में छोटा है लेकिन एरिया बहुत बड़ा है, भीतर ही भीतर बहुत ही सुंदर है। और आज उत्सव के इसलिए बड़ी ही सुंदरता पूर्वक सजाई है मंदिर को, ये देख सकते हैं आप लोग। जय गुरु माँ, जय गुरु। तो ठीक है, ये है दिमापुर सत्संग बिहार। तो दिमापुर सत्संग बिहार हम लोग हम तो ये सत्संग बिहार दिमापुर, जय गुरु। और आपका जो हनुमान मंदिर जो है वो आपको सामने जो गणेश मंदिर है, और ये हनुमान मंदिर है, ये बड़ा बिल्डिंग, और बगल में ये सत्संग मंदिर है, ये सत्संग बिहार दिमापुर। और आप जो लाइटिंग जो दिखाई दे रहे वो है आनंद बाजार का बिल्डिंग है, और आपको पीछे साइड जो है देखिए आप, ये सत्संग बिहार दिमापुर, वो पीछे वाला बिल्डिंग है, वो गेस्ट हाउस है, करीबन 50-60 या 100 गुरु भाई एक साथ रहने का बहुत ही सुंदर सुविधा है, एक साथ रहने का सुविधा है, खाना पीना सब कुछ का बहुत ही सुंदर सुविधा है। ये है दिमापुर सत्संग बिहार। और ये जो सामने वाला जो बिल्डिंग है ये आचार्य भवन है, और उसका बगल में ही आपका गेस्ट हाउस है, यानी ये नीचे वाला जो हिस्सा है वो आपका आचार्य भवन है, और आपका राइट साइड में जो बिल्डिंग है ये तो वीआईपी रूम, ये तो गेस्ट हाउस। अच्छा अच्छा अच्छा, ये तो वीआईपी रूम और गेस्ट हाउस, और ये तो आचार्य भवन। अच्छा, जो नीचे वाला एकदम ग्राउंड जो एकदम ग्राउंड फ्लोर है वो है आचार्य भवन, और मिडिल का है वो वीआईपी गेस्ट हाउस, और जो ऊपर वाला जो है वो गेस्ट हाउस। तो यहाँ करीबन कितना लोग एक साथ रह सकता है? आपको रह सकता है आपका ये दिमापुर सत्संग बिहार, मैं आप लोग को गेस्ट हाउस की ओर ले जाने का प्रयास कर रहा हूँ, और इधर से आपको गेस्ट हाउस जाना पड़ेगा, और जो इस साइड का हिस्सा जो है वो आपको आचार्य भवन है नीचे वाला, ऊपर का जो वीआईपी गेस्ट हाउस है, और ऊपर वाला जो है वो
गेस्ट हाउस, तो इधर से जाना पड़ेगा। यहाँ ये सब लैट्रिन बाथरूम देख सकते हैं आप, लैट्रिन बाथरूम। और ये सब रूम है, और ये आपको किचन है। पुजारी लोग यहीं पर किचन, पुजारी लोग का किचन है, और मेहमान जब आते हैं तो उसके लिए जो बड़ा आनंद बाजार जो बिल्डिंग दिखाया आपको, लाइटिंग जो हो रहा था वही है, और ऊपर में भी है गेस्ट हाउस। दादा अपना लोग कौर पर आई से शिवसागर पर। जय गुरु, जय गुरु। आज ही उत्सव बताई से ना, ठीक है। तो ये गेस्ट हाउस है, जय गुरु। तो ये दिमापुर सत्संग बिहार का आनंद बाजार हॉल है। तो आज जितना उत्सव का जितना आनंद बाजार यहीं से गया, तो ये माँ लोग जय गुरु। सब सब्जी कटाई चल रहा है, तो ये दादा लोग पूरा पकाई कर रहे हैं। जय गुरु दादा, जय गुरु। ये आनंद बाजार हॉल आशी, जय गुरु। अच्छा, जय गुरु दादा। तो ये दादा लोग दिमापुर का है, ये आनंद बाजार कंट्रोल करते हैं दादा लोग। तो आज का उत्सव का जितना आनंद बाजार यहीं से गया, और दादा लोग इसको कंट्रोल किया। और ना 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 होगा, हम लोग अपना खुद का गाड़ी है, ठीक है सर। जय गुरु, जय गुरु। तो ठीक है, हम लोग चलते हैं। जय गुरु, जय गुरु। है दादा, जय गुरु। फिर आएंगे आप लोग का दिमापुर में आके, बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट टाइम मैं दिमापुर में आया। जय गुरु, जय गुरु।